नमस्कार, एग्री मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज 24 अगस्त। पिछले हफ्ते के अगर रिव्यू की बात करें तो एडिबल ऑयल पैक में हमने एक अच्छी खासी तेजी देखी, जहां सोयाबीन में 2%, मस्टर्ड में 2.5%, कैस्टर में 0.5%, सीपीओ में हमने 0.25% और रिफाइंड सोया फ्लैटिश नोट के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। जिस ढंग से हमने देखा ग्लोबल मार्केट में थोड़ा बहुत तेजी का माहौल बना, सोयाबीन, सोया ऑयल और सीपीओ में तेजी का रुख था, जबकि मस्टर्ड में हमने देखा ऑयल मार्केट में तेजी के चलते डिमांड अभी भी बरकरार है, जो सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले टाइम में हमें लगता है 5400 का भी लेवल क्रॉस कर जाएगा। बट सोयाबीन में ध्यान रखिए, थोड़ा क्रॉप डैमेज का रिपोर्ट जरूर है, जो कहीं ना कहीं प्राइजेस पे कंटिन्यू थोड़ा बहुत सपोर्ट ला सकता है। बट ओवरऑल 3820 के नीचे काउंटर वीक है, जो 3720 तक का लेवल दिखा देगा। वही मसालों के अंदर मिला जुला ट्रेड था, खाली धनिया को छोड़ के धनिया में 2% की तेजी थी, जो 6850 तक का लेवल दिखा सकता है, जबकि जीरा और धनिया इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। हल्दी में तो फिर भी हमें अच्छी खासी तेजी दिखाई दे रही है, बट जीरा 14000 से 14500 के बीच में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। गवार सीड, गवार गम में बेतहाशा अच्छी तेजी अभी भी कंटिन्यू है, जिससे फंडामेंटल मजबूत है। 5.25% की तेजी गवार गम में और 3.5% से ज्यादा की तेजी हमने गवार सीड में देखी है। टेक्निकली थोड़ा ओवरबॉट जरूर है, थोड़ा भी अगर डाउनसाइड मिले तो लेके ही काम करना है। मेंथा में तेजी का रुख कायम रहेगा, जो 1100 तक का ओवरऑल टारगेट। कॉटन कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो काउंटर कभी अभी भी स्ट्रांग है, जो कॉटन सीड ऑयल केक पे ध्यान रख के चलिए, 1920-1930 का लेवल बताया था, इसके ऊपर सीधा 2040 तक का लेवल कॉटन सीड ऑयल केक में देखने मिल जाएगा। चने के भी फंडामेंटल स्ट्रांग है, जो 4400 का लेवल होल्ड करने से हमें 4550 तक का भी लेवल देखने मिल सकता है। वहीं अगर हम डे टू डे एक्टिविटी की बात करें तो एग्री डेस्क के अंदर जिस ढंग से तेजी देखी, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है एग्री में तेजी रहेगी, और साथ में महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी बारिश काफी अच्छी है, डैमेजेस वाली सिचुएशन बनने लग गई है, जो कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट कर सकता है। सोयाबीन के अंदर हमने देखा एरिया अंडर कल्टिवेशन में काफी बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते दबाव बना हुआ है, बट डैमेजेस के चलते प्राइजेस में जो फॉल रहेगा वो स्लो एंड स्टडी रहेगा। आज के सेशन में बेच के चलिए 3740 के टारगेट के लिए। रिफाइंड सोया ऑयल आज साइडवे रहेगा, 862 तक का लेवल मिले वहां पे बाइंग करके चलेंगे। मस्टर्ड 5200 के ऊपर होल्ड करने से 5280 तक का लेवल दिखा देगा। कैस्टर 4000 के ऊपर 4040 का टारगेट रहेगा, जबकि हल्दी रेंज बाउंड रहेगी, 5940 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। जीरा 14000 से 14500 के बीच में ट्रेड करेगा। धनिया 6850 के टारगेट के लेके चलिए। चना अगर 4400 का लेवल आज होल्ड रहता है तो करीबन 4480 से लेकर 4520 तक का लेवल दिखा देगा। कॉटन सीड ऑयल केक 2040 के टारगेट की लेके चलिए, जबकि गवार सीड गवार गम में एक साइड वे टू नेगेटिव रहेगा। 4050-60 के ड्रॉप पे गवार सीड लेना है और 6250 के सपोर्ट पे हमें गवार गम लेके काम करना है। सीपीओ 754 का ड्रॉप मिले वहां पे हमें लेके चलना है, जो 774 का ओवरऑल टारगेट ये हफ्ते में देखने मिलना चाहिए। कॉटन ने 16700 का लेवल तोड़ चुका है, जो काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट था, अब 17150 के टारगेट के लिए लेके चल सकते हैं। चार्टिकली सीपीओ एक ब्रेकआउट के बाद अभी भी ब्रेकआउट के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, जो कहीं ना कहीं संकेत 774 का टारगेट दे रहा है, जबकि कॉटन 17000 का लेवल तोड़ के 17200 तक का लेवल दिखा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में आपको कमोडिटी से रिलेटेड सभी अपडेट